हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। तो वही ये टॉपिक है, टीपू सुल्तान एंड द थर्ड मैसूर वॉर, जो 1790 से लेके 1792 में हुई थी। सो दोस्तों, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी आफ्टर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1784 में, और इससे पता चल गया था कि भाई मैसूर कोई छोटा मोटा नहीं है, बंगाल की तरह नहीं है। अगर अंग्रेज भिड़ने आएंगे तो अच्छे से पिटाई कर देगा। और अंग्रेजों ने ये भी रियलाइज करा कि मराठा निजाम भी हमारे साथ है, तब भी हम उनको डिफीट नहीं कर पा रहे हैं, तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। एक्सपोज कर दी थी इसने इंग्लिश की वीकनेसेस और टीपू की स्ट्रेंथ बता दी थी। तो हैदर अली चले गए थे, बट टीपू किसी से कोई कम नहीं थे, बल्कि एक कदम आगे ही थे। लाइक हिज फादर ही वॉन्टेड टू एलिमिनेट द इंग्लिश फ्रॉम इंडिया। तो टीपू दोस्तों ऐसे वन ऑफ रूलर्स ही दिखेंगे और लिमिटेड। आपको मेरे को तो कोई ज्यादा याद नहीं आता कि जो पहले से ही सोच रखा हो जिसने कि अंग्रेजों को तो मुझे भगाना है। और कोई रूलर अगर आपको याद आ रहा है जो कोई ऐसा सोचता हो, यार आपको कोई ऐसा इंसान याद आता है शुरू से ही जो ये सोचता हो कि मेरे को तो इंग्लिशों को भारत से भगाना है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मुझे तो याद नहीं आ रहा, राइट? तो टीपू को इसलिए काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है हिस्ट्री में, बट थोड़ा सा इशू क्या हो गया है आजकल के टाइम में कि मुस्लिम होने की वजह से इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। बट एनीवेज उसमें नहीं जाते, वो एक सेकेंडरी चीज है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि टीपू टीपू जो है वो एलिमिनेट करना चाहते थे इंग्लिश को फ्रॉम बिगिनिंग। हिज अदर डिजाइन्स वर टू रैक वेंजेंस ऑन द निजाम एंड ऑन द मराठास एज दे हैड बिट्रेड हिज फादर ड्यूरिंग द आवर ऑन नीड। तो देखो, ध्यान रखिए, एक एक तो वो निजाम और मराठास दोनों को भगाना चाहते थे। देखिए, एक चीज है कि काफी बार ये बात होता है, तो देखिए एक चीज ये कि काफी बार बात होती है कि ये मराठास के अगेंस्ट थे, काफी आजकल ये पॉइंट्स भी उठ के आते हैं। टीपू सेकुलर नहीं थे, है ना? लेकिन आप ये याद रखिए, निजाम के ही वॉज अगेंस्ट, तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा केयरफुली। एंड काफी बात होती है टीपू के सेकुलर कैरेक्टर के बारे में भी, तो उस पे वैसे इस टॉपिक में तो हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको काफी वो सेकुलर आदमी भी दिखेंगे, ठीक है? जैसे उन्होंने टेम्पल को डोनेशन वगैरह भी करते थे। आपको एक चीज दिखेगी यहाँ कि वो मराठा निजाम दोनों से बदला लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि मराठा निजाम ने उनके फादर को परेशानी खड़ी करी थी। तो चीफ कॉज देखते हैं दोस्तों अब कि ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर आखिर हुई क्यों। तो देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर दी थी। टीपू सुल्तान स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय अंडरटेकिंग वेरियस इंटरनल रिफॉर्म्स। तो आर्मी स्ट्रांग करी उन्होंने, इंटरनल रिफॉर्म्स करे, अपना कंट्री को, अपनी जो टेरिटरी थी उसे स्ट्रांग बनाया। टेरिटरी क्या थी इनकी? मैसूर। दिस क्रिएटेड वरीज टू ब्रिटिश निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा। तो सब घबरा गए, ठीक है? और ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे टीपू को एलिमिनेट करना, बिकॉज वो समझ गए थे कि इनको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा अगर हमें भारत में रूल करना है तो। और साथ साथ ये याद रखिए, जो टीपू की गलती भी कह सकते हैं आप कि वो निजाम और मराठास के साथ जुड़े नहीं, ठीक है? तो ज्यादा जो स्ट्रांग आदमी होता है वो जनरली थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो भी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये भी आपको देखना होगा कि अंग्रेजों ने भी अच्छी स्मार्ट चाल चली कि निजाम और मराठास को अपने साथ रखा, राइट? और ये तो बात आपको क्लियर हो ही गई होगी कि मराठास, मैसूर और निजाम साथ आ जाते, और अगर इनके साथ तो और अवध बंगाल आ जाते, तो ब्रिटिशर्स का टिकना नामुमकिन था। तो पहला रीजन तो ये है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुई, क्योंकि इंटरनल रिफॉर्म्स करे और स्ट्रांग हो गया था मैसूर। मोर ओवर, टीपू मेड अटेम्प्ट्स टू सीक दी हेल्प ऑफ फ्रांस एंड टर्की बाय सेंडिंग एनवॉयज टू दोज कंट्रीज। बड़े विजनरी आदमी थे टीपू, उन्होंने तो अपने एनवॉयस, आप कह सकते हो कि एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स फ्रांस और टर्की भेजे कि भाई हमें मदद करिए, अंग्रेजों को भगाते हैं। आपको ये वर्ल्ड हिस्ट्री दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि इस टाइम क्या हो रहा है। इस टाइम ना वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ब्रिटिशर्स भी बड़े घबराए हुए हैं, राइट? और टर्की में ऑटोमान एम्पायर था इस टाइम में, ऑटोमान एम्पायर, ठीक है? तो उससे भी थोड़ा सा ही सपोर्ट लेना चाह रहे थे, राइट? कि भाई आओ और इंग्लिशर्स ब्रिटिशर्स को भगाओ। ऑटोमान और इंग्लिश की, और फ्रांस और इंग्लिश की ज्यादा बनती रही थी। क्लियर ये पॉइंट?
फ्रांस और इंग्लैंड की कभी नहीं बनी है हिस्ट्री में दोस्तों, ये याद रखिएगा, एक्सेप्ट वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, ये सिर्फ दो वॉर थी जिसमें ये दोनों साथ लड़े हैं, अदरवाइज ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, कौन, फ्रांस एंड इंग्लैंड, ठीक है। ये चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट। और चीजें देखते हैं इनका रीजन क्या है। टीपू ने अपना जो टेरिटरी थी उसे दोस्तों एक्सपेंड कर दिया था एट द कॉस्ट ऑफ हिज नेफर्स, तो राजा ऑफ त्रावणकोर जो बहुत बढ़िया दोस्त थे ब्रिटिशर्स के, वो घबरा गए थे, है ना, वो घबरा गए थे, उनकी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था टीपू सुल्तान ने। इन 1789 ब्रिटिश कंक्लूडेड अ ट्राइपार्टाइट अलायंस, मतलब तीन लोगों ने मिलकर अलायंस करा, ब्रिटिशर्स, नवाब और मराठा ने, कि हम टीपू को भगा देंगे, उनकी टेरिटरी ले लेंगे, है ना, ये सोचा गया। और विंग्स ऑफ फायर अगर आपने बुक पढ़ी हो अब्दुल कलाम की, है ना, तो आप उसमें देखते हैं कि वो नासा जब गए, है ना, तो नासा में एक स्टैच्यू लगा हुआ था, एक पेंटिंग लगी हुई थी, स्टैच्यू थी या पेंटिंग थी मुझे याद नहीं आ रहा बुक में क्या था, जहाँ रॉकेट्स बने हुए थे और वॉर वगैरह सीन था। तो जब अब्दुल कलाम ने काफी एनालाइज करा तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वहां पे जो रॉकेट्स हैं ये टीपू सुल्तान की आर्मी के हैं। तो देखिए नासा भी रिस्पेक्ट देता है टीपू सुल्तान को, क्योंकि इन्होंने रॉकेट्स वगैरह उस टाइम में बना दिए थे, अर्ली रॉकेट्स, है ना, तो एक बड़ा अचीवमेंट था। रॉकेट्स मतलब बेसिकली अटैक करने के लिए, लेकिन वो जो प्रिंसिपल होता है ना रॉकेट का या मिसाइल्स का जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वो कभी साइंस में हम पढ़ेंगे, तो वही सेम प्रिंसिपल ऑलमोस्ट टीपू ने उस टाइम में फॉलो करा था। तो टीपू को नासा भी इंपॉर्टेंस देता है, ये अब्दुल कलाम जब वहां गए थे तो उन्हें भी काफी बड़ी चीज लगी थी कि इंडिया में भले ही इतनी इंपॉर्टेंस ना मिली हो। तो इंडिया में दोस्तों आपको देखता है कि आजकल थोड़ी, आजकल मतलब हिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं है टीपू को, अदरवाइज काफी ज्यादा डिजर्व करते हैं। ऐसे काफी लोग हैं हिस्ट्री में जिनको इंपॉर्टेंस नहीं मिली हुई, टीपू इज वन ऑफ देम। तो ये टीपू सुल्तान है, फोटो वैसे ही इस बुक में अच्छी है नहीं। सो वॉर ब्रोक आउट इन मे 1790, मे याद मत रखो क्योंकि ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन 1790 याद रखना, बिटवीन इंग्लिश एंड टीपू। इट वॉज फॉट इन थ्री फेजेस, तीन फेजेस में दिखेगी आपको ये वॉर। फर्स्ट वेज कमेंट व्हेन मेडोज, ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, द गवर्नर ऑफ मद्रास इनिशियली डायरेक्टेड कैंपेन टू इन्वेड मैसूर, बट टीपूज रेड मूवमेंट्स रैपिड मूवमेंट हॉल्टेड द प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश ट्रूप्स एंड इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेस ऑन देम। तो आपको ये दोस्तों याद होगा तीन तरीके के गवर्नर होते थे भारत में, बॉम्बे, मद्रास, और जो गवर्नर बंगाल में, तो गवर्नर नहीं, बंगाल में गवर्नर जनरल होते थे जो ओवरऑल रूल करते थे पूरे इंडिया पे। तो गवर्नर ऑफ मद्रास ने दोस्तों अटैक करना स्टार्ट करा, जिनका नाम मीडोज था, लेकिन वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, और बल्कि टीपू ने उनकी खूब अच्छे से पिटाई कर दी, ठीक है, और इंग्लिश का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इन द मीन वाइल कॉर्नवेलिस हिमसेल्फ एज्यूम्ड कमांड इन दिसंबर 1790। तो ये एक चीज है कि आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉर्नवेलिस वॉज हिमसेल्फ अ सोल्जर, और वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी पार्ट लिया था फ्रॉम साइड ऑफ ब्रिटिशर्स, वहां पे भले ही उन्होंने सरेंडर कर दिया बट ही वाज अ स्ट्रॉन्ग सोल्जर और उनको अच्छी नॉलेज थी, तो खुद ही चार्ज ले लिया और काफी इनकी अच्छी समझ भी थी इन चीजों में। तो सेकेंड फेज बिगिन हुआ 1790 के दिसंबर में। मार्चिंग फ्रॉम वेलोर ही कैप्चर्ड बैंगलोर इन मार्च 1791। तो बैंगलोर को कैप्चर कर लिया किसने, किसने कैप्चर कर लिया, कॉर्नवेलिस ने, बट टीपूज ब्रिलियंट स्ट्रेटजीज प्रोलोंग दी वॉर एंड कॉर्नवेलिस वॉज फोर्स टू रिट्रीट टू मैंगलोर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोविजन। तो ये जो मैसूर, बैंगलोर, मैंगलोर के एरिया आते हैं टीपू के एरिया में आते थे, ठीक है, तो कॉर्नवेलिस ने ट्राई करा कि कब्जा कर लिया जाए बट वो वापस मैंगलोर चले गए, ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी थी नहीं और उनको भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि टीपू इतने स्ट्रांग होंगे, है ना, तो सेकेंड फेज में भी ज्यादा कुछ सक्सेस मिली नहीं। थर्ड फेज देखते हैं, थर्ड फेज ऑफ द वॉर बिगेन व्हेन टाइमली एड फ्रॉम मराठास विद प्लेंटी ऑफ प्रोविजंस हेल्प्ड हिम टू रिज्यूम हिज कैंपेन एंड मार्च्ड अगेंस्ट श्रीरंगापट्टिनम अगेन। तो अब श्रीरंगापट्टिनम पे जाएंगे कॉर्नवेलिस और मराठा ने इस बार अच्छा खासा साथ दिया, निजाम ने भी सपोर्ट दिया। दिस टाइम टीपू वॉज एट ए डिसएडवांटेज, स्विफ्टली इंग्लिश फोर्सेस ऑक्यूपाइड हिल फोर्ट्स नियर श्रीरंगापट्टिनम एंड सीज्ड इट इन फरवरी 1792। तो किले पे ही कब्जा करना होता है और फोर्ट ऑफ श्रीरंगापट्टिनम पे जब कर लिया तो ट्रीटी तो टीपू की हार ऑलमोस्ट फिक्स थी और वो हार गए। टीपू कंक्लूडेड अ ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टिनम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी पूछी जाती है इंग्लिश के साथ करी। इसकी टर्म्स तीन है, एक तो टर्म्स तो
वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये समझना आपको इम्पोर्टेंट है कि ट्रीटी ऑफ सेरिंगापतनम किसके बीच हुई, कब हुई, इसकी ओवरऑल इम्पोर्टेंस क्या है। फैक्ट्स में इतना नहीं जाते, जैसे वॉर है दोस्तों, ये इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज तीन फेज है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होते, डिटेल में नहीं जाना होता। इम्पोर्टेंट क्या होता है ये समझना कि टीपू ने स्ट्रांगली वॉर लड़ी, अंग्रेज थे, नवा निजाम थे, मराठा थे, स्टिल टीपू वॉज एबल टू होल्ड देम, और ये वॉर 2 साल तक चली। ये ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट हमने बक्सर और प्लासी में देखा है कि कुछ ही दिनों में वॉर खत्म हो रही थी। तो टीपू को क्या क्या करना पड़ा, अपने हाफ डोमिनियंस अंग्रेजों को देने पड़े, उनका किंगडम टूट गया, छोटा हो गया, आधा हो गया। ही हैड टू पे अ वार इंडेमनिटी ऑफ 3 करोड़, 3 करोड़ रुपए उस टाइम में, एंड सरेंडर टू ऑफ हिज सन्स एज हॉस्टेजेस टू इंग्लिश। बोथ साइड्स एग्रीड कि प्रिजनर ऑफ वॉर है, उनको रिलीज कर देंगे, है ना। इस जन्मों से ये काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है ये प्रैक्टिस। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापतनम बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ब्रिटिश सिक्योर्ड अ लास्ट टेरिटरी ऑन द मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट मिलने से एक तो टेरिटरी मिली, ऊपर से ट्रेड काफी ज्यादा प्रमोट हो गई, ट्रेड, है ना, क्योंकि ये इलाका जो है समुद्री इलाका है, मतलब समुद्र से आप ट्रेड कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट रहा। इन एडिशन अंग्रेजों को मिला बहामाल, बारामहल डिस्ट्रिक्ट मिला, और ये दिंदुगल भी मिल गया, बारामहल और दिंदुगल, नाम याद रख लीजिए, ये थोड़े लिख दो तो फैक्ट के साथ आपका आंसर स्ट्रांग हो जाता है। आफ्टर दिस वॉर ऑल्दो द स्ट्रेंथ ऑफ मैसूर हैड बीन रिड्यूस्ड, इट वाज नॉट एक्सटिंग्विश्ड। ये देखना होगा आपको कि टीपू जैसा रूलर जो है ना, उसको मारना पड़ेगा, अगर मारोगे नहीं ना तो हमेशा खतरा है, ये इंग्लिश को भी क्लियर था। अब आप बोलोगे कि थर्ड वॉर में क्यों नहीं मार दिया, देखिए मारना इतना आसान नहीं है अभी भी, मतलब कम हुई है पावर लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, और अगर सीधे अगर मार लो रूलर को ना तो बगावत हो जाती है। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो। तो अंग्रेज बड़े केयरफुली स्ट्रेटेजी करते थे कि धीरे 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 आगे बढ़ो, वन स्टेप एट अ टाइम, राइट। सीधे टीपू सुल्तान को नहीं उठा सकते थे। टीपू हैड बीन डिफीटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये थी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर।